गढ़वा प्रखंड के तिलदाग में आयोजित मेगा शिलान्यास समारोह में गढ़वा विधायक झारखंड सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता और उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने विभिन्न विभागों की 190 से अधिक योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। मंत्री ठाकुर ने विधिवत पूजा अर्चना कर नारियल फोड़कर और शिलापट का अनावरण कर इस योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। मौके पर मंत्री ठाकुर ने कहा कि गढ़वा के विकास में सबसे बड़ा योगदान गढ़वा की जनता का है। लोकतंत्र में जनता ही सर्वोपरि है। जनता को अपना अधिकार पाने के लिए जनप्रतिनिधि चुनने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि मैं मंत्री और विधायक नहीं हूं, बल्कि जनता का सेवक हूं। जनता ने जो जिम्मेदारी दी है उसे ईमानदारी के साथ निभा रहा हूं। हमारे बीच इस पंचायत के मुखिया श्रीमती अनिका देवी जी, जन सरोकार की सरकार है, इस राज्य का निर्माण कराया गया, अंतिम पंक्ति के लोगों को उनका हक अधिकार मिले, उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए ये सरकार दृढ़ संकल्पित है। और उसी का परिणाम है कि निरंतर सिर्फ गढ़वा में ही नहीं, पूरे राज्य में विकास की योजनाओं का एक तो धारा बह रही है, और जो सामाजिक सुरक्षा के तहत समाज लोगों को हक अधिकार मिलना चाहिए वो दरवाजे तक पहुंच रहा है, लोगों को घर तक पहुंच रहा है। आपने देखा कि अभी हमारे 22-25 पंचायत और नगर परिषद की योजनाओं का, लगभग 408 करोड़ की योजनाओं का हम लोगों ने यहाँ शिलान्यास और उद्घाटन किया। उसमें ज़्यादातर शिलान्यास की योजनाएँ थी, लगभग 66 करोड़ की उद्घाटन पेयजल की योजनाओं का हुआ, और इनने कहे कि एक पखवाड़ा भी नहीं, 10 दिनों के अंदर हम लोगों ने इस गढ़वा को, गढ़वा विधानसभा को, गढ़वा जिला को लगभग हम लोगों ने 1300 करोड़ की सौगात देने का काम किया। 100 करोड़ से ज़्यादा की योजनाओं का बड़ी सौगात दे गए माननीय मुख्यमंत्री, कलेक्ट्रेट से लेके स्टेडियम, टाउन हॉल, बस स्टैंड, बिरसा पार्क का उद्घाटन किया।